नमस्कार, मैं उशवानी, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। संसद में आज फिर तवांग मुद्दे की गूंज सुनाई दी। शीतकालीन सत्र में मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ था। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तवांग में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने शानदार पारी खेली, उन्होंने 90 रन बनाए। वहीं श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 45 रनों का योगदान दिया। बांग्लादेश की तरफ से ताइजुल इस्लाम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में डीएमके, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, जदयू समेत करीब 17 दलों के नेता मौजूद रहे। कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच को अर्जेंटीना ने जीतकर 8 साल बाद फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया है। इससे पहले वह साल 2014 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन जर्मनी ने उसे शिकस्त दे दी थी। इस बार अर्जेंटीना 6ठी बार विश्व कप के इतिहास में फाइनल खेलने मैदान में उतरेगा। यह मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। वही मुकाबला में फ्रांस या मोरक्को में से कोई एक टीम शामिल होगी। ऋषभ पंत ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। पंत ने इस दौरान एक उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने करियर के 4000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। पंत इस मुकाबले में 46 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 2 छक्के भी लगाए। बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए यात्रा कर रहे देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार और राजनेता बने प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि यहां पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बिहार में 10वीं वास नहीं करने वाले नेताओं के बच्चे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में गोवा के उभरते ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है। डेब्यू मुकाबले में ही अर्जुन तेंदुलकर ने शतक जड़ डाला है। दरअसल रणजी ट्रॉफी 2022 में गोवा और राजस्थान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में अर्जुन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से काफी लाइमलाइट लूटी। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा संघर्ष के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का अमेरिका ने समर्थन किया है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। संघ महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से जब इस मुद्दे पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने खबरें देखी हैं, हम तनाव कम करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि इलाके में तनाव और न बढ़े। चीन विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीजिंग में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संपर्क बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया है कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किया जाने की आवश्यकता है। सीजीआई ने कहा कि रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार बार मत कीजिए। एनसीपी से सांसद रह चुके माजिद मेमन ने अपने लिए नया ठिकाना खोज लिया है। माजिद मेमन ने अब टीएमसी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सौगात रॉय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि माजिद ने नवंबर में एनसीपी से इस्तीफा दिया था। आखिरकार एप्पल के भारतीय यूजर्स का इंतजार खत्म हुआ। एप्पल ने अपने भारतीय यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल एप्पल ने भारतीय यूजर्स के लिए अपना 5G नेटवर्क कंपैटिबिलिटी अपडेट पेश कर दिया है। भारतीय यूजर्स आज से 5G सेवाओं का लुत्फ उठा सकेंगे। अपने iOS 16.2 को दुनिया समेत भारत में नेक्स्ट जनरेशन के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ रोल आउट किया गया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड एकाएक गायब हो गई है। ठंडी के महीने में लोग अब गर्मी महसूस करने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बदलाव हुए हैं। इससे रात में हल्की गर्मी तो महसूस हो रही है, दिन में तो पारा 32 डिग्री तक जा पहुंचा है। अचानक बदले मौसम से सबसे ज्यादा अंतर रायपुर में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दिल्ली और मुंबई के बड़े हवाई अड्डों पर चल रही भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा काउंटर के लिए 100 से अधिक कर्मियों का एक पूल तैयार किया है। इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में शामिल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 12 अधिकारियों की सुरक्षा और चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में शामिल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 12 अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल CPH एस धालीवाल, DCP स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा, DCP राजीव चंद्रन के लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बिन मौसम बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में दक्षिण पूर्व और उत्तरी केरल और कर्नाटक तट से सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह चक्रवाती परिसंचरण भारतीय तट से दूर पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। इसका टीजर बुधवार को रिलीज हुआ है। इसका पहला गाना विश्रम रंग भी रिलीज कर दिया गया है। इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी है, इसे लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भगवान पेट्रोल पंप में 200 मीटर दूर NH 31 पर मंगलवार की रात 2:30 बजे रसोई गैस सिलेंडर लदे वाहन में आग लग गई है। करीब एक घंटे तक एक के बाद एक धमाका होता रहा। इस दौरान NH पर वाहन परिचालन ठप रहा। 3 घंटे बाद NH 31 पर वाहनों का परिचालन सामान्य हुआ। हादसे में चालक की मौत होने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनके माध्यम से सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। सरकार किसानों के बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का फायदा प्रदान करती है। वहीं अब बिहार सरकार की ओर से किसानों की फर्टिलाइजर की खरीद पर 50% की सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है। एक भारतीय लेक्चरर ने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि लेक्चरर की चयन प्रक्रिया में नस्लीय भेदभाव का प्रभाव था। द गार्जियन ने बताया कि पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में डॉक्टर काजल शर्मा पिछले 5 साल से लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उनकी जगह एक श्वेत उम्मीदवार को नियुक्त किया गया जिसे इस नौकरी का कोई अनुभव नहीं था। बिहार के सारण में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच सुधाकर सिन्हा ने नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है, आप इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। 7 दशकों के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब जापान अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का गठन करने वाला है, और 2 विश्व युद्ध लड़ने वाला जापान अब अपनी मिलिट्री का गठन करने जा रहा है। चीन की आक्रामकता से डरकर जापान ने अपनी आर्मी गठन करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस शुक्रवार जापान अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अनावरण करेगा। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड 15 और 16 दिसंबर को अभ्यास करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस एक्सरसाइज में छबुआ, तेजपुर, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस शामिल होंगे। कई लड़ाकू विमान भी अभ्यास में शामिल होंगे। साल 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। इसी साल इंडोनेशिया के बाली में हुए समिट के दौरान पीएम मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। अब भारत के अलग अलग राज्यों में G20 समिट की तैयारी शुरू हो गई है। राज्यसभा में बुधवार को उस समय सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए जब केंद्र की पीएम मोदी सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वह अर्जुन हैं तथा अर्जुन एवं एकलव्य का संवाद एक नए तरीके से प्रारंभ होगा। उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संदर्भ में यह बात कही। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 9.79 लाख पद खाली हैं। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि व्यय विभाग के भुगतान अनुसंधान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 9,79,327 पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2019 से लेकर सरकार और असंवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत है एवं दबाव झेलने में समर्थ है तथा सरकार राजकोषीय घाटे, महंगाई एवं भारतीय मुद्रा की स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 प्रशासनिक इमारतें बुधवार को रूस के ड्रोन हमले की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि यूक्रेन वायु रक्षा बल ने कई ड्रोन मार गिराए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हमलों में किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है।
बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार के सवाल के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी स्तर पर काम चल रहा है और कई कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में प्रतिदिन बड़ी संख्या में साइबर हमले होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमलों को रोक दिया जाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद नौशाद रजा, नुनू कुमार, गोलू, के सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, विजय राय, कविता, राज ठाकुर, उमेश दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से क्या आप संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।